गाड़ी गेट कॉलिंग मिल के जाएंगे, गाड़ी हमारी पार्किंग में खड़ी है। और क्या नंबर बता देता हूँ गाड़ी का, हमें आगे जाना है। मैंने कंट्रोल में कर दिया है। सो गाइज, अब हम हो चुके हैं रेडी और जयपुर एक्सप्लोर करने के लिए, और आज हमारा गाइड हमारा मिस्टर बांगा आज हमको घुमाने वाला है जयपुर में। मैं एज ए गेस्ट एक्सपीरियंस पाठक लोग में आया हूँ। बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरा आज का और कल का टारगेट है भुचाल बुआई को और निशांत को पूरा जयपुर एक्सप्लोर करवाना। क्या गुड्डे गुडिया रखे हुए तूने वरुण, ये कहाँ से लेके आए? ये राजस्थानी स्टाइल है। ये देखो, ये है वरुण के खून पसीने की कमाई, और जिससे वरुण ने ये वाला किया भाई, ये 150 किलोमीटर का मेडल है, राजस्थान रोड राइडर्स टूर टू बिसलपुर। ये है गुड़गांव का मैड ओवर बाइकिंग। ये है टाइगर राइड्स जयपुर, 1 month चैलेंज आया है कंप्लीटेड, रेगुलर साइकिलिंग। अच्छा, 1 month रेगुलर साइकिलिंग। एंड ये मेरी फायरफॉक्स रोड रनर रोडी। ये मेरा हेलमेट है, और ये मेरा साइकिलिंग का सामान है, ग्लव, ये किट है पंचर लगाने के लिए, ये गॉगल्स है साइकिलिंग गॉगल्स है, ये एयर पंप है, और ये ग्लव्स है जेल वाले सिलिकॉन जेल लॉक। अच्छा, लॉक है ये। चले भूचाल बॉय, चाय बननी लंच भी करना है, अभी ब्रेकफास्ट हुआ है बस अपना। तुम्हें लंच में भूख लग जाए जब है, तुमने जिस तरीके से पराठे तोड़े हैं ना, तीन दो प्लीज। ये अच्छा, ये है जयपुर का ज्वार सर्कल पत्रिका गेट, जो बहुत फेमस है। यहाँ पर लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, गाड़ी वहीं लगा ले पार्किंग में। एल्बर्ट हॉल तो इधर है, पीछे गया वो। हाँ, एल्बर्ट हॉल आया वो, गया वो पीछे चला गया, हमें उधर मुड़ना था। मैं साइकिलिंग यही करता हूँ काफी बार आकर। गेट का ना, तेरे को राजस्थान के जो सारा वो है ना, तेरे को सब यहाँ मिल जाएंगे। आमेर फोर्ट है, यहाँ स्केटिंग सिखाते हैं शाम को। Going to Nahargarh finally after long time, 12 किलोमीटर रूट टिल नाहरगढ़ फोर्ट। ये एक छोटा सा एक हिल स्टेशन है जयपुर में, स्वाई मान सिंह सेकंड, ये उनका किला है। जो सबसे पहले ये आमेर फोर्ट होता था, जयपुर के बसने से पहले ही स्वाई मान सिंह द्वितीय ने ये बसाया था। तो यहाँ पर कुछ पानी की कमी और खाने की कमी की वजह से उन्होंने अपनी सिटी को बढ़ाया जयपुर की तरफ, तो वो बाद में सिटी डेवलप हुई जयपुर। तो ये यहाँ की एक छोटी सी स्टोरी है, इसको ब्रीफली हम आपको एक्सप्लेन करेंगे लेटर। ओके कूल। तो भाई अब हम जा रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ, जैसे कि आपको ब्रीफ किया है हमारे मिस्टर बांगा ने। चलो फिर आपको नाहरगढ़ फोर्ट दिखाते हैं। बाकी यार ये व्लॉग ना बहुत बड़ा होता जा रहा है, इसमें बहुत कंटेंट हो गया, तो इसको डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में, ठीक है? मतलब कैसे इसको स्टार्ट करेंगे बाकी देख लेंगे, मैं एडजस्ट करूंगा। तो चलो फिर नाहरगढ़ फोर्ट दिखाते हैं आपको, वहां से अगर ड्रोन व्यू हम ले पाए तो आपको इस वीडियो में दिखा देंगे। Entering to Nahargarh Fort finally. ये भाई पार्किंग लगी है हमारी 50 रुपए की। We didn't make it up, we just made a way. We gon' take it up, we won't fade away. I got too many dreams, gotta stay away. Ask me if I change, yo, it's night and day. I told the backstabbers. Enter हो चुके हैं नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर। ये देखो आप नजारे। Put the knife away. I'm trying to get my family to a nicer place. Room for everybody, but no room for hate. Everybody eating off the nice plate. भाई अपने पास कैश नहीं है, फोन पे से अलाउड नहीं है, तो अपने को एंट्री नहीं मिल रही है। यहीं से यू टर्न मारना पड़ेगा, ये हमारे पीछे पीछे भागेगा वॉकी टॉकी लेकर। ऊपर हमने चढ़ा दी ना, किसी से कैश ले लो और उस पे फोन पे कर दो। एटीएम है, पैसे निकाल के 150 रुपए इनको दे देते हैं, वहाँ जाना पड़ेगा। ये रहा एटीएम यहाँ लगा देता हूँ। भाई नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर एटीएम देख लो, महल बनाया हुआ एटीएम भी। सो गाइस हम जा रहे हैं व्यू पॉइंट पर नाहरगढ़ फोर्ट के। सो गाइस हम नाहरगढ़ फोर्ट पहुंच चुके हैं भाई, यहाँ पे भीड़ वगैरह भी ठीक ठाक है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, हम वैसे तो लेट हो गए, टाइम हो गया अराउंड 7:14। अभी आपको मैं व्यू दिखाऊंगा अच्छे अच्छे, लेकिन हम टाइम से पहुंच गए। हमें पहले तो लगा कि हम अंधेरे में ही पहुंचेंगे। पार्लियामेंट, जयपुर की पार्लियामेंट, पार्लियामेंट है दिखाई दे रही है ना आपको, गोल्डन कलर।
इधर आ, इधर तेरे को बताता हूँ। ये स्वाई मान सिंह के राज्य का फ्लैग है। अगर अभी देखिए ये सिंगल फ्लैग है, अगर इसके ऊपर एक छोटा फ्लैग और लगा हो ना तो इसका मतलब है कि राजा जयपुर में है, सिटी में है। अगर वो फ्लैग नहीं है तो राजा बाहर है। तो इस टाइम राजा पढ़ने गए हुए हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वो जो चमक रहा है वो पता क्या है? एल्बर्ट हॉल है वो। इधर है मिनट घूम लेना तो अंधेरा हो जाएगा और हमारा यूजलेस हो जाएगा यहाँ आना, क्योंकि हम पहुंचे अभी और ऊपर ही आए हैं। मिलके जाएंगे, गाड़ी हमारी पार्किंग में खड़ी है। नंबर बता देता हूँ गाड़ी का, हमें आगे जाना है। मैंने कंट्रोल में कर दिया है। कोई बात नहीं, कूलिंग कंट्रोल। लेकिन इन्होंने कहीं एक आधी जगह कुछ कहीं तो लिखना चाहिए कि हाँ अलाउड नहीं है। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं वापस अपनी पार्किंग की तरफ। एक्चुअली यहाँ पे ड्रोन उड़ाना भी अलाउड नहीं है, वैसे कहीं वार्निंग नहीं थी बट हम उड़ा नहीं पाए, तो ड्रोन का व्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। पड़ाव में जाएंगे, हवा महल के सामने एक रेस्टोरेंट है, हम वहाँ जाएंगे। वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, वी हैव ऑप्शन चौकीदानी, वी कैन ट्राई चौकीदानी। वी आर लीविंग फ्रॉम दिस नाहरगढ़ फोर्ट एंड गोइंग बैक टू जयपुर सिटी। समर में ऊपर रहते थे, विंटर में नीचे। अभी इधर आना, लाइट यहाँ पे है। गाड़ी गेट कॉलिंग, ये इकराड मट्टा से गाड़ी वाले। A few moments later. आज की क्या लर्निंग? तू ही बताएगा वो तो। आज की लर्निंग ये रही, मेरा मन कर रहा है गाड़ी में जाके टायर में सिर मार, पैसा बर्बाद। नहीं, नेगेटिव मत ले, ओवर थिंकर बन गए हम, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो उसने हमारी टिका दी। सो गाइस अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, वापस निकलेंगे अभी जयपुर। तो भाई हमारा जो ड्रोन था ना, हमने थोड़ा सा उड़ाया था, उसी के बाद हमें वार्निंग मिल गई थी। उसके बाद हमें गार्ड्स लेके आ गए यहाँ पे, पीछे इनके जो मैनेजमेंट का ऑफिस है, सिक्योरिटी पर्सन, तो उन्होंने हमसे आईडी वगैरह लिए, मतलब एक फॉर्मेलिटी में स्टेटमेंट लिया है कि आपसे मिस्टेक हो गई है, गलती से आपने उड़ाया, बट विदाउट फुटेज आपने नीचे उतार लिया। सो ये एक लर्निंग है अपने लिए, बट मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया तो इसलिए थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे, ठीक है? जगह बहुत सुंदर है, एक्सपीरियंस अच्छा रहा, रास्ता भी ठीक था, बीच में व्यू पॉइंट भी है कई जगह, और ये जगह बहुत सुंदर है। यहाँ पे एक पड़ाव रेस्टोरेंट है जो बिल्कुल ही टॉप पर है। हम यही कहेंगे कि ठीक है, वो एक लर्निंग थी हमारे लिए कि हमें ड्रोन नहीं उड़ाना चाहिए था, बट दे डिडंट मेंशन एनीवेयर टाइम वेस्ट हुआ है, वो नहीं होता। हमें वार्निंग, हमने चेक करी थी, कहीं भी वार्निंग नहीं लिखी हुई थी कि आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते यहाँ पर। हमारी गलती है कि हमने उनसे पहले पूछा नहीं मिली, बट हमें सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लेना चाहिए था, वही एक गलती मुझे लगती है कि हमारी थी। लर्निंग मिली है इससे, आगे से थोड़ा सा और ज्यादा सिक्योर रहेंगे ड्रोन को लेके, क्योंकि यार हम सिक्योरिटी को लेके रिस्क नहीं लेना चाहते हैं अपनी कंट्री के लिए। तो गाइस अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे, स्टे ट्यून्ड। द टैटू कैफे एंड लॉन्ज, चलें फिर? यो चलो। ऊपर जाके साइन ऑफ करेंगे वीडियो को। सो गाइज यहाँ से भी खाली हाथ निकलना पड़ रहा है, आज हमारा दिन खराब है क्या? नहीं, दिन खराब की बात नहीं है, वीकेंड पे प्लान करते हैं तो वही चल रहा है, तो ऑलरेडी सब कुछ ऑक्यूपाइड इतना मिल रहा है, बिजी शेड्यूल है। सो गाइज हवा महल के जस्ट सामने एक कैफे है, द टैटू कैफे एंड लॉन्च। बहुत बढ़िया व्यू आता है यहाँ से हवा महल का, ऑलरेडी किसी ने पार्टी के लिए बुक किया हुआ है, अंदर हम नहीं जा पाए, सामने जस्ट हवा महल दिखाई दे रहा है, आपको दिखाता हूँ। तो इस व्लॉग को यहीं पे साइन अप कर देते हैं, मांगे हाँ, कल मिलेंगे। सो गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, जयपुर आपको अच्छा लग रहा है हमारे व्लॉग्स में, तो इसको लाइक जरूर कर देना और एक कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वो तो जरूरी करना पड़ेगा आपको, तभी आप आगे हमारी वीडियो देख पाओगे। व्लॉग को यहीं पे साइन अप करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। लिव योर लाइफ, मेक योर ड्रीम्स, बूम बूम। गाइस ये देख लो हवा महल, नाइट व्यू में आपको दिखा रहे हैं हम सारा रॉ फुटेज के साथ, मिस्टर बांगा यहाँ पर, खट्टी मीठी यादों के साथ, और जब दोस्त हो तो कुछ भी चीज बुरी लगती ही नहीं है।